हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन डिवाइस के बारे में जिन्हें नए F40 अपडेट्स मिले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज़ अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला फ़ोन है सैमसंग गलेक्सी A7 2017 को यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 का सीवीडियो पेज अपडेट मिला है और इसे नया A40 अपडेट मिला है सैमसंग गलेक्सी A7 2017 के लिए यहाँ पे जो। और दोस्तों, इसका अपडेट की फाइल है 293 MB के आसपास की अपडेट की फाइल है। और दोस्तों, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किए गए हैं और सिर्फ इसे 1 अप्रैल 2019 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है सैमसंग गलेक्सी A7 2017 को। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हमारा मिला है सैमसंग गलेक्सी A7 और A7 प्लस के लिए भी यहाँ पे 1 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है A7 और A7 प्लस को। और दोस्तों, इसमें इसकी अपडेट की फाइल है यहाँ पे 674 MB के आसपास का अपडेट की फाइल है, यानी 674 MB के आसपास की फाइल है यहाँ पे। इसमें भी यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 का सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है यहाँ पे सैमसंग गलेक्सी A7 और A7 प्लस को। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट मिला, यहाँ पे न्यू F40 अपडेट मिला है जिसकी अपडेट की फाइल है 674 MB के आसपास की। दोस्तों, इसमें भी कुछ यहाँ पे कैमरा इम्प्रूव किया गया है A7 और A7 प्लस के लिए। यहाँ पे कैमरा हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, सिक्योरिटी पैच अपडेट यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 का सिक्योरिटी पैच मिला है सैमसंग गलेक्सी A7 और A7 प्लस में, और साथ में इसमें कैमरा भी इम्प्रूव किया गया है। तो दोस्तों, बस यही थी वीडियो में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।